कहानी नंबर 78, जीवन जीने की कला। एक सेठ सेठानी थे, वे काफी धनी और संपन्न थे, फिर भी सेठ जी हमेशा दुखी और परेशान रहते थे। वह सोचते रहते थे कि मेरे पास इतना धन आए कि कभी समाप्त ही ना हो, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही रहे। संयोग से एक महात्मा सेठ जी के घर आए। सेठ जी ने महात्मा का बहुत आदर सत्कार किया। शाम को धंधे से फुर्सत पाकर सेठ जी महात्मा के पास आए। उन्होंने महात्मा के पैर छुए, महात्मा ने आशीर्वाद दिया। उन्होंने महात्मा से निवेदन किया कि मेरे पास धन दौलत नौकर चाकर सब कुछ है, फिर भी मैं दुखी रहता हूँ, इसका कारण क्या है, कृपया समाधान दीजिए। कुछ देर विचार कर महात्मा जी ने कहा कि मैंने तुम्हारी समस्या का हल खोज लिया है। तुम्हें एक काम करना है, तुम्हारे घर के पास ही एक गरीब परिवार रहता है, तुम उसके घर जाकर 1 किलो चावल दे आओ। वह घर आया और तत्काल ही चावल लेकर गरीब के घर पहुंच गया और कहा, मैं आपके लिए चावल लाया हूँ, इसे रख लीजिए, इससे स्वयं आपकी एवं बच्चों की भूख शांत हो जाएगी। वह गरीब बोला, बेटा आज तो हमारे पास खाने के लिए चावल हैं। इस पर सेठ ने कहा, तो यह कल काम आ जाएंगे। वह गरीब बोला, हम कल के लिए नहीं जोड़ते और ना ही कल की चिंता करते हैं। यह बात सुनकर सेठ जी की आंखें खुल गईं। तत्काल पीछे पैर महात्मा जी के पास पहुंचे और चरणों में गिरकर बोले, मेरी उलझन सुलझ गई है। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा ही ठीक हमारे साथ भी होता है? कितनी ही बार हम प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव को ना समझकर भूतकाल की भूलों को याद करके दुखी होते रहते हैं, अथवा भूतकाल के ही अच्छे पलों को याद करके वर्तमान में भी वैसा ना होते हुए जानकर दुखी होते रहते हैं, या भविष्य की अनगिनत कल्पनाएं करते रहते हैं और कल्पनाओं के अनुसार ना होते हुए जानकर दुखी होते रहते हैं। इसीलिए पास्ट और फ्यूचर में ना रहकर हम सभी को वर्तमान में रहना चाहिए, क्योंकि वर्तमान ही हमें वर्धमान बनाएगा। संस्कृति और सभ्यता को कायम रखने के लिए हम बहुत ही मेहनत से आपके लिए ये छोटी छोटी वीडियोस बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हो तो इसे लाइक करें। आप इनसे क्या सीखते हैं यह हमें कमेंट करके बताएं, तथा इसे अन्य लोगों के साथ शेयर करके हमारा सहयोग अवश्य करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आप आगे आने वाली सभी स्टोरीज की नोटिफिकेशंस प्राप्त कर सकें। आपका ये छोटा सा प्रोत्साहन ही हमें आपके लिए और ढेर सारी कहानी बनाने के लिए प्रेरित करता है।